जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर तिरंगा यात्रा के जिला प्रभारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश झालानी ने पत्रकारों से चर्चा की। तिरंगा यात्रा जिला प्रभारी व वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने चर्चा के दौरान 20 मार्च को होने वाले कार्यक्रमों की गतिविधि की जानकारी दी। इसके साथ ही एक वर्ष बाद 20 मार्च को सरकार गिरने को लेकर वे लोगों को तथ्यों से अवगत कराया। तिरंगा यात्रा की जानकारी देते हुए बताया गया कि 20 मार्च को कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी। इस दिन जिला मुख्यालय में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं वितरण भी किया जाएगा। इस दौरान नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत कांठेड़, कार्यकारी अध्यक्ष मधु बंसल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रातः 12:30 से 1 बजे के मध्य कांग्रेस की तिरंगा यात्रा प्रारंभ होगी और अम्बेडकर जी सर्कल के शहर के मुख्य मार्गों से बारादरी होकर और सीधे वापस इसी स्थान पर कांग्रेस अपने कोरोना के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए 20 मार्च को कमलनाथ जी की सरकार के एक वर्ष में जिस तरीके से राजनीतिक हत्या की गई थी, सत्ता की बदलोलुपता में दल बदल करके, वो संदेश जनता को दिया जाएगा और कांग्रेस की सरकार के किए गए अच्छे कार्यों को और बीजेपी की खरीद फरोख्त को जनता के सामने उजागर करने के लिए कांग्रेस से तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। आपसे पूरे सहयोग की और उपस्थिति की अपेक्षा रखते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। प्रत्येक ब्लॉक स्तर से, सभी विधानसभा क्षेत्र से, वार्डों से, नगर के नीमच से, शहर से प्रत्येक पदाधिकारी ब्लॉक अपने साथ के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को तो कम से कम लेके आए। ट्रैक्टरों के द्वारा आने वाली व्यवस्था विधानसभा के प्रत्याशी और वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जीरन से, ग्रामीण से, जावत से, है ना, मनासा से, ये सारे लोग उनको उपस्थित। जो हमारा ऐसा टारगेट है कि कम से कम 1000 से ऊपर हम लोग निकलें, ये हमारा प्रयास है। कांग्रेस आज जिस स्थिति में संघर्ष कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस से डर रही है और बार बार खरीद फरोख्त तो डराव का चल रहा है, उस स्थिति में हमारा ये संघर्ष मुझे लगता है पहले से अधिक सफलता की ओर जाएगा और अब कांग्रेस बहुत जल्दी उस बदलाव को लाएगी जिस बदलाव को भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से पद हासिल किया था। इस सरकार को अगले वर्ष तक आप बदले हुए देखेंगे, यह मेरी भावना है। जय हिंद, जय कांग्रेस। देखिए साहब, मैं नीमच की पूरी संख्या नहीं बता, लेकिन मेरा इतना टारगेट है कि बहुतायत में एवरेज भी लगाएं तो 1000 से 500 के मध्य कम से कम की उपस्थिति होना चाहिए। और चूंकि कोरोना है तो हमने एक लिमिटेड टारगेट रखा है जिससे उसका पालन भी हो सके। वो प्रशासन के सामने दी गई, प्रशासन से भी हमें यही आदेश मिला कि आप बहुत अधिक संख्या में न करें, इसलिए सभी विधायक प्रत्याशियों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, महामंत्रियों को, प्रदेश पदाधिकारियों को, पार्षद प्रत्याशियों को इस संबंध में छोटे छोटे टारगेट दिए गए हैं जिससे संबंधित एक सम्मानजनक रूप से कांग्रेस की सरकार के एक वर्ष पश्चात के इस आंदोलन को तिरंगा यात्रा का कमलनाथ सरकार की याद में दिया जा सके। सर, कमलनाथ जी, बैठक के दौरान आपने कहा था कि बिगड़ा हुआ बच्चा दूसरी माँ की गोद में जाके बैठ गया, किससे तात्पर्य माना जाए? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को राजनीतिक हत्या की गई और जो विधायकों के प्रत्याशियों के बाद कांग्रेस के सिंबल पे जीत के आए, खरीद फरोख्त करके जो लोग चले गए उनमें से कौन लोग बिगड़े हैं, कौन नादानी कर गए हैं, वो इशारा मुहावरे में ही हो सकता है। नाम लेके कहना तो मेरी भी नादानी होगी और नादा के बारे में बोलना मेरी समझदारी नहीं होगी। मैं उन्हीं को कहना चाहता हूँ फिर से कि झोपड़ी बोली महल से रे, तू क्यों इतना इतराता है, तेरे जैसे महल को बनाने वाला कारीगर तो कांग्रेस की झोपड़ी में ही रहने आता है।